Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने साल 2024 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों के तहत रेपो रेट नहीं घटा है। इस तरह रेपो रेट 6.50% पर ही बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस संसद में ब्लैक पेपर ला सकती है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा तब किया जा रहा है जब बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यूपीए सरकार के 10 सालों के काम को लेकर श्वेत पत्र लाने वाली है। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में इंटरनेट ठप होना शुरू हो गया है। देश भर में मोबाइल सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। सरकारी कामकाज की आवश्यकीय वस्तुओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए लोकसभा के वर्तमान सत्र को शनिवार यानी 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 17 फरवरी को होगी। बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। यह बैठक 17 फरवरी को सुबह 10 बजे भारत मंडपम में होगी। चुनावी मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार जो कभी एंटी खपा चल रहे थे वो वापस एंटी गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अब उनके पास तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत दे दिए हैं। श्री हजूर अबचल नगर साहिब अधिनियम 1956 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संशोधन किए जाने पर सिख समुदाय भड़का हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिख तीर्थस्थलों के प्रबंधन और चिंताओं में सरकारी प्रभाव बढ़ाने की साजिशों को तुरंत रोकने की अपील की है। नागपुर पुलिस ने शहर के अपराध मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल के नेतृत्व में नागपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय में कुख्यात अपराधियों की परेड कराई गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अपील करने के बाद राज्य रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। रेजिडेंट डॉक्टरों की वेतन में 10,000 रूपए की बढ़ोतरी भी शामिल है। निश्चित समय पर नियमित शिक्षण शुल्क छात्रावासों की तत्काल मरम्मत होगी। शरद पवार ने कहा कि हम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर आया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में दो महान नेता थे, उसमें महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 9 और 10 फरवरी विश्राम के दिन है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में रहेंगे। धामनगर के भाजपा विधायक सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि आज भाजपा विधायकों ने अपर्ण रथ चावल के क्रू प्रबंधन को लेकर राज्य के राज्यपाल रघुबर दास से मुलाकात की है। भगवान जगन्नाथ के नाम पर एकत्र किए गए धन का उपयोग मंदिर के लिए नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम प्रगति मैदान में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के हालिया फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। घरेलू शेयर बाजार आज शानदार उछाल के साथ खुलने में कामयाब रहे। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन शेयर बाजार से जबरदस्त पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। आरबीआई पॉलिसी के पहले ओपनिंग में बीएसई का सेंसेक्स 321.42 अंकों या 0.45% की उछाल के साथ 72,473 के लेवल पर खुला है। एनएसई का निफ्टी 79.15 अंक या 0.36% की जोरदार बढ़त के साथ 22,009 के स्तर पर ओपन हुआ है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनियों को आने वाले दिनों में कड़ी टक्कर मिल सकती है। सरकार ने इसके लिए नई योजना तैयार की है। सरकार इस बात को परख रही है कि क्या सरकारी राशन की दुकान यानी पीडीएस शॉप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। नीतीश तिवारी की रामायण लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर रोजाना नई नई अपडेट सामने आ रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अपने इस रोल के लिए एक्टर के सामने कई मुश्किल पड़ाव हैं, जिन्हें वह पार करने के लिए पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाकर पोस्ट की है। शाहिद ने एक रील बनाई है, अब जब उनके पास कुछ वक्त है तो वह क्या क्या खाने वाले हैं। इस रील का ओरिजिनल ऑडियो विराट कोहली का है। इस रील में शाहिद एक क्रिकेट बैट के लिए जबरदस्त एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तेजा सज्जा स्टार फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए एक महीना होने वाला है और ये अब भी करोड़ों में कलेक्शन कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान सिनेमा घरों में 12 जनवरी को महेश बाबू की गुंडरू कारम से लेकर विजय सेतुपति, कैटरीना कैफ स्टारर मेरी क्रिसमस सहित कई बड़ी फिल्मों के साथ रिलीज हुई थी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।